पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। मैनिफेस्टेशन के बारे में ऑफिस में मुझे एक इश्यू आ रहा था बार बार, तो वो मुझे सॉल्व ही नहीं हो रहा था कैसे करने का है उसका। लेकिन जब मैं एक दो मिनट के लिए मेडिटेशन किया, मुझे उसका सॉल्यूशन चाहिए, मैंने एक यूनिवर्स से हेल्प मांगा, तो ऑटोमेटिकली उसका मुझे सॉल्यूशन मिल गया। नमस्कार, मैं भैरव ओलकर, मैं पुणे से हूँ। मैं 2 साल से ध्यान कर रहा हूँ। ध्यान से आने से पहले मुझे एक तो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉन्फिडेंस यानी हर एक रिलेशन में बाधाएं बहुत आती थी, जो भी कुछ काम करने जाओ वो प्रॉपर नहीं कर पाता था। ध्यान से पहले मैं नॉन वेजिटेरियन था, ध्यान में आने के बाद मैं वेजिटेरियन बन गया। PCSM हिंदी के लिए मेरे फ्रेंड ने मुझे रिक्वेस्ट भेजा था मुझे, तो उसके थ्रू मैं ऑनलाइन जुड़ गया। तो पहले मैं JTTP 19 मराठी किया, उसके बाद मैं JTTP 19 के बाद ऑटोमेटिकली मुझे ग्रुप में ऐड होने के बाद मुझे हिंदी का रेफरेंस मिल गया। हिंदी का रेफरेंस मिलते ही मैं JTTP 24 किया, उसके साथ हर एक सेशन में मुझे रेफरेंस मिलता गया। तो मैं इनर जर्नी किया, बुद्ध बनो किया, मास्टर बनो किया, ये सब ऑटोमेटिकली मैं ऑटोमेटिकली हिंदी की तरफ से ज़्यादा जो भी सेशन होते थे हिंदी के ही ज़्यादा किया। रामता किया, सेथ विजडम किया, ये सब मैं करते गया। तो ऑटोमेटिकली मुझे इतना आनंद महसूस होता गया, ऑटोमेटिकली मेरे अंदर चेंजेस होते गए। जैसे जैसे मैं ये सब करते गया मेडिटेशन के साथ, बहुत सारा नॉलेज मिलने लगा, बुक के रेफरेंस मिलने लगे, तो हर एक बुक्स पढ़ते गया, तो रेफरेंस से बहुत कुछ चेंजेस आने लगे। मेडिटेशंस के अलग अलग अनुभव मुझे होते गए। PCSM जुड़ने से पहले मैं एक दूसरी संस्था में एक्चुअली जुड़ा था 2014 में, तो वहाँ पे जो उनका फॉर्मेट था वो अलग था। उनके हिसाब से जो भी है कुछ उनको जप मंत्र या कुछ ऐसे देते थे तो उसके साथ हम करते थे, तो उतना तब हो नहीं पा रहा था। मेरे जो भी चेंजेस है, जो भी मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए था या जो मुझे एक अलग से अंदर से फेयर लगने था, अननोन फेयर था, वो तो कुछ होने नहीं हो रहा था। तो उसके साथ मैं जब ये PCSM जुड़ा तो ऑटोमेटिकली ये चेंजेस होते गए। तो मैं तब से मैं PCSM हिंदी और PCSM मराठी के साथ जुड़ता गया, तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं अभी जैसे मेरे थॉट्स है वैसे सब कुछ चेंजेस होते गए। जो भी मैं चाहूँ वो हो रहा है। अभी जैसे कि मेरे रिलेशन अच्छे होने लगे, घर में मेरे जो भी रिलेटिव्स थे उनके साथ अच्छे रिलेशन होते गए, जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसे होने लगा। मैं ऑफिस में, पहले ऑफिस में ध्यान से आने से पहले मेरे ऑफिस में थोड़ा इतना नहीं जम पा रहा था, लोगों के साथ रिलेशन नहीं बन पा रहे थे, ऑफिस कलीग के साथ जो भी है उनके साथ रिलेशन नहीं बन पा रहे थे। जैसे मैं PCSM हिंदी PCSM मराठी किया तो ऑटोमेटिकली मेरे इतना कॉन्फिडेंस आ गया, रिलेशन अच्छे होने लगे और ऑटोमेटिक एक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ते गया, तो मेरा ऑटोमेटिकली मुझे एक्सेप्टेंस मिलने लगा सब जगह। मेरे रिलेटिव हो या घर वाले हो या ऑफिस वाले हो, सबके साथ मेरा अच्छा जमता गया। उसके बाद जब मैं PCSM जुड़ा तब मुझे मेरे परिवार वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बाद में ऑटोमेटिकली मुझ में जो भी चेंजेस होते गए वो देख के ऑटोमेटिकली उनके मन में भी वो भाव आने लगे कि हम भी करें। तो अभी मेरा पूरा परिवार PCSM के साथ जुड़ा है। मेरे तो बहुत सारे ऐसे अनुभव है कि ऑटोमेटिकली मेरे ऊपर इनर पूरा
शांति आने लगी। हर एक चीज़ में पहले हेजिटेशन होता था, कुछ भी करने जाओ ये काम होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं। अभी तो पूरा ऑटोमेटिकली मेरे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस आ गया, जो भी मैं सोचता हूँ या करने जाता हूँ तो मैं पूरा उसके साथ बिलीव के साथ मैं करने जाता हूँ, तो हेजिटेशन पूरा नहीं है। अभी कॉन्फिडेंस आ गया, कॉन्फिडेंस के साथ मैं वो काम करने जाता हूँ तो 100% होता ही होता है। और घर वालों के साथ जो भी पहले मैं उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि जो मैं कुछ कर रहा हूँ या बोल रहा हूँ उनको कॉन्फिडेंस नहीं था, अभी उनको बहुत सारे मैंने दिखाया कि जो मैं बोल रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे काम जो भी होते गए या इकोनॉमिकली मुझे भरपूर बहुत सारे हेल्प होने लगे, तब उनको ऑटोमेटिकली ये कॉन्फिडेंस बढ़ते गए मेरे ऊपर भी। इसके बाद जैसे मुझे अनुभव अच्छे आने लगे, तब मेरे रिलेटिव्स थे उनको मैंने रेफरेंस किया, उनको PSSM में मैंने लेके आया। मेरे सोसाइटी में बहुत सारे, हमारे घर में, मेरे फ्लैट में, हमारे मेरे सोसाइटी के जितने भी लोग आए, बहुत सारे जिनको मेरा अच्छा रिलेशन है या जो भी है उनको मैंने रेफरेंस दिया, तो उनको मेरे घर में मेडिटेशन लेने लगा। जैसे कि पहले मैंने पिरामिड के बारे में सुना नहीं था, पिरामिड थे पता था, लेकिन ये मेडिटेशन उसके अंदर जाके करना ये अलग ही, मुझे अलग ही एक आश्चर्यचकित था कि इसके अंदर कैसे होता है। तो बाद में मुझे पता चला जब मैं बेंगलोर इंटरनेशनल वैली में गया, तो मुझे वो इंटरनेशनल वैली में पिरामिड में जाने का चांस मिला, तब मैं उधर पिरामिड वैली में मेडिटेशन किया। इतने बड़े सारे बहुत बड़ा पिरामिड है, वहाँ पे इतना सुकून मिला, इतना अनुभव, इतना बहुत अच्छा अनुभव था कि वो वहाँ से हम किधर भी नहीं, वहाँ से निकलने का मन ही नहीं करा, इतना बहुत अनुभव, एक सुकून मिला वहाँ के, वहाँ पे जाके। इंट्यूशन के बारे में बहुत सारे ऐसे छोटे 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 मैं नहीं बोलूँगा, ये इंट्यूशन है। अभी जैसे मैं किधर जाता हूँ या किसी के बारे में सोचता हूँ तो वो मेरे सामने आ जाता है, या कहीं मुझे कुछ करने का है तो ऑटोमेटिकली वो होके ही आता है मेरे सामने। ऐसे बहुत सारे इंट्यूशन मुझे मिलते हैं, किसी के बारे में मैं सोचता हूँ वो सामने आ जाता है, किसी को मुझे फ़ोन करने का मन कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उनका फ़ोन आता है, या वो व्यक्ति या चीज़ है वो सामने आ जाती है। अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अड़चन आ रही है किसी चीज़ के बारे में, तो ऑटोमेटिकली वो उसका सॉल्यूशन मुझे मिलने लगता है। मैनिफेस्टेशन के बारे में, ऑफिस में मुझे एक इश्यू आ रहा था बार बार, तो वो मुझे सॉल्व ही नहीं हो रहा था कैसे करने का उसका, लेकिन जब मैं एक दो मिनट के लिए मेडिटेशन किया, मुझे उसका सॉल्यूशन चाहिए, मैंने एक यूनिवर्स से हेल्प मांगा, तो ऑटोमेटिकली उसका मुझे सॉल्यूशन मिल गया। जो भी पत्रजी सर का विजन था, घर घर में ध्यान, घर घर में पिरामिड, तो हम उनका विजन आगे ले जाने का हमारा विजन है, तो हम उनके साथ ही वही जो उनका विजन था वो हम पूरा करने का हम ठान लिया है, तो वही हम करेंगे। हमारा विजन वही है, जो भी हम सभी को रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि आप भी मेडिटेशन कीजिए, और ये पत्री जी सर का विजन है, हमें आगे लेके जाना है, पूरे जगत को ये मेडिटेशन के बारे में हमें बताना है, तो ये हम पूरा करके ही रहेंगे। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी ध्यान प्रचार में जुड़ जाए, ध्यान में जुड़ जाए, और हम पत्री जी सर का विजन पूरा करने की हम पूरा हमारा पूरा इन्वॉल्वमेंट दिखाइए। धन्यवाद। घर घर में सत्य का दर्शन।